दोस्तों कई बार मेरे को आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आप जो डेली टिप्स डालते हैं आपका सोर्स क्या रहा सीखने का, जहाँ से आपने सीखा। तो देखो मेरे मेजर तीन सोर्स रहे जहाँ से मैंने सीखा। हालांकि मैंने गेम से जुड़ने से पहले भी मैं फिटनेस पे बुक्स भी पढ़ता था, इंटरनेशनल मैगजीन्स भी मैं देखता था, लेकिन मेरे जो तीन सोर्सेज मेजर सोर्सेज रहे ना जहाँ से मैंने मेरी लर्निंग हुई वो ये बुक्स या मैगजीन्स नहीं है। सबसे पहला सोर्स वो है मेरे गुरु श्री भूपेंद्र धवन जी द्रोणाचार्य वाड़ी, जिनसे मैं 97 में जुड़ा था और करीब 26-27 साल अभी हो गए हैं। मैं रेगुलर आज भी उनसे सीखता ही हूँ और जो भी इतने सालों में उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई, जो डाइट के बारे में उन्होंने गाइड किया, कब उनकी कैसी एक्सपेक्टेशन थी, कब उन्होंने किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज किया अपने जो हमारा टारगेट होता था उसके अकॉर्डिंग, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस जहाँ से मेरी लर्निंग हुई। सबसे बड़ा सोर्स तो यही है। उसके बाद सेकंड सोर्स मेरा रहा मेरा जो खुद का गेम है, वहाँ से मेरी बहुत लर्निंग हुई। मैंने गेम किया, बॉडी बिल्डिंग भी, पावर लिफ्टिंग भी, तो जो मेरे को गुरुजी ने बताया, जो अप्लाई किया उन्होंने ट्रेनिंग और डाइट को, कैसा बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया उसको एनालाइज करना, कब वो किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, डाइट बताते हैं, वो कैसे बॉडी पर रिस्पॉन्ड करती है, कब हमारा प्रोग्रेस स्लो हुई, कब फास्ट हुई, ये चीजें मैं नोट करता रहा और सीखता भी रहा, अपनी बॉडी को स्टडी भी करता रहा। और यही वजह है कि जब भी मैं जरा सा भी कोई डाइट में चेंज करता हूँ मुझे तुरंत रिस्पॉन्स पता लगता है मेरी बॉडी इस पे कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि मैं डीपली उस सब्जेक्ट को समझता रहा। और तीसरा सोर्स मेरा रहा, जो मैंने 2000 में जिम लगाया था, सन 2000 में, और करीब 23-24 साल हो गए हैं। तो मेरे इतने स्टूडेंट्स रहे, वो एथलीट भी रहे, कुछ नॉन एथलीट भी, जो चैंपियन बने और जो बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाए, वो इतने सारे जो मेरे मेंबर्स रहे, जो मेरे स्टूडेंट रहे, वो भी एक बड़ा सोर्स है लर्निंग का। क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है, मेटाबॉलिज्म सबका अलग अलग है, टारगेट अलग अलग है, बॉडी कंपोजिशन अलग अलग लेके आते लोग, उस पर काम करना, रेगुलर सीखना किस तरह, एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम हर एक पे काम नहीं करता, एक ही डाइट हर एक पे काम नहीं करती, माइंड सेट सबका अलग अलग होता है। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा ये सोर्स रहा मेरा लर्निंग का। देखो कोचिंग जो है ना, वो कोचिंग इज मोर मेंटल देन फिजिकल। ये एक्सरसाइज ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, इतने रैप लगा लो, ये सेट लगा लो, ये एक छोटा पार्ट है कोचिंग का। कोचिंग का बड़ा पार्ट है मेंटल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये चीज जो मैंने सीखा वो गुरुजी की जो कोचिंग थी उससे, क्योंकि वो बहुत बार ऐसा होता था डायरेक्ट मैसेज देते थे, कई बार उनकी बातों में हिडन मैसेज होता है, आप उसको डीकोड कर पाएंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे। कोई भी कोच हमेशा डायरेक्ट मैसेज नहीं देगा आपको, उसकी बातों में एक हिडन मैसेज होता है आपके लिए, आप उसको डीकोड कर पाए नहीं कर पाए आपके ऊपर है। मैं लकीली कुछ स्टूडेंट्स में से रहा जो उनकी हर बात को थोड़ा सा मैं पकड़ पाया, आगे बढ़ पाया और इतने सारे बच्चों को अपने साथ लेके चल पाया मैं। यही मेरे मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने सीखा और आगे भी मैं आप लोगों से सीखता रहूंगा। मेरे गुरु के पास भी मैं रेगुलर अब इतने सालों से हूँ, आगे भी हमेशा रहूंगा ही। आप बच्चों के साथ भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये जर्नी चलती रहेगी, हम सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और ज्यादा चैंपियंस इस देश को देते रहेंगे। थैंक यू।